हेलो। शांत हो जा। अरे शांत हो जा, क्लास शुरू करने से पहले पहले 5 मिनट आपसे बातें करना है। चलो समझ जाओ, 4 बच्चा सुनेगा। अरे फिजिक्स पढ़ाया, ये तो तय है बेटा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट्स भी नहीं है। लेकिन पढ़ाना और परफॉर्मेंस, अगर आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो हमारे सारा मेहनत धूल में मिल जाएगा, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आपका परफॉर्मेंस कभी अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी तरह जानता हूँ। अब बिल्कुल समझ जाओ कि जो चीज़ हमें पता है, दिल की बातें पता है, हम आज उगलने दो, अंडरस्टैंड है तो आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा। आपसे फिजिक्स की तैयारी हो जाए और सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, फिजिक्स की तैयारी आपसे नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। खास करके 80% बच्चों की बात करूं, 20% बच्चे अच्छे होते हैं, वो कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अंडरस्टैंडिंग पावर, लर्निंग पावर और उसको स्टोर करने का पावर अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो जाता है उनकी तैयारी 20% बच्चों का। अब 20% बच्चे से अगर एक क्लास में 80 का रिजल्ट खराब आ जाए, 20 का अच्छा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब ही माना जाएगा, क्योंकि निगेटिव चीजें ज्यादा फैलती है पॉजिटिव चीजों का अपेक्षा। और हर मेरे बच्चे, तो क्या किया जाए? तो हर साल बिग डाटा, यार बिग डाटा का परफॉर्मेंस हर साल बहुत बेहतरीन होते हैं, ये बात हम भी जानता हूँ। जो सही है, गलत है जो गलत है, अंडरस्टैंड है। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो कमियां बोलूंगा, सही है तो सही बोलूंगा, क्योंकि कभी भी हम गलत नहीं बोलते सबके मामले में। परफॉर्मेंस बेहतरीन है, प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस है 3 स्टूडेंट, 96, 96, 96। वो कैसे आया पता नहीं, हमें नहीं पता है बेटा जी कैसे आया वो, बस इतना जानता हूँ, बस वो भी नहीं कह सकता कि हम ये कहना गलत होगा। वो कैसे हो जा रहे हैं बेटा जी, जिसने परीक्षा में लिखा है, बस इतना जरूर कहूंगा कि उसको हमने पढ़ाया, बस इतना जरूर कह सकता हूँ बेटा जी। अब एक कह दूं, हमारे पढ़ाने से खाली आया है, ये बात गलत है। और हाँ मेरा जी, उसमें उसका मेहनत भी छिपा हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, तो ये सब बातें करना बिल्कुल गलत होता है। तो हम आपके लिए एक चीज लाए हैं, सुनो बेटा जी। 20 तारीख तक, 20 तारीख तक सुन लो सारा बच्चा, 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक जितना भी मेरा पेंडिंग काम है, जैसे मैं क्या क्या पेंडिंग काम है, जैसे मैं ट्रांसफार्मर लास्ट पर चल रहा है, आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर अंतिम चल रहा है, ट्रांसफार्मर पढ़ा दूंगा। ट्रांसफार्मर के बाद ईएमडब्ल्यू का, ईएमडब्ल्यू पढ़ा दूंगा 20 तारीख तक, सब कुछ 20 तारीख, जितना भी पेंडिंग ओल्ड वर्क है उसे फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म, तो खत्म, कुछ भी मेरे पास नहीं बचेगा, अंडरस्टैंड है बेटा जी। अब 20 तारीख से बेटा जी आपके लिए एक रिवीजन बैच है, एक नए सिरे से रिवीजन बैच दे रहा हूं 20 तारीख से, 20 तारीख से, जिसमें दसों का दसों चैप्टर, दसों का दसों चैप्टर का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन बैंक, जो हमें मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन बैंक होता है, उसके एक को क्वेश्चन को समझाते हुए उसका सोल्यूशन। दूसरा, हमने जो गेस दिया है ना, उसके सोल्यूशन तो हम मौजूद है, ये है, आप पढ़ करके, हिम्मत है तो पढ़ करके 2 लाइन लिख के देखो तो समझ में आ जाएगा। आज आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, तुम पढ़ लो, अक्कल अकल एक टाइम लिख के दिखाना तो नहीं लिखाएगा, एक लिखोगे उल्टी आना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंड है? तो इसका मतलब है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, किसी गेस को पढ़ने से नंबर नहीं आएगा, इस गेस को हमें नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, समझाते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाना होगा, समझाना होगा, और उसको फिर नोट्स में लिखाना होगा, तब जाकर के तुम बोर्ड में लिख पाओगे। और हाँ मेरे बच्चे, तो इस गेस का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं, अंडरस्टैंड है बेटा जी। नेक्स्ट, टेस्ट तो कुछ नहीं लूंगा बेटा, टेस्ट मेस्ट नहीं लूंगा, टेस्ट के बदल में क्या होगा, जैसे ही एक चैप्टर खत्म करूंगा तो एक चैप्टर का होल पैकेज जो बोर्ड के अंदर आता है उसका पीडीएफ, जिसे में 35 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 को लॉन्ग रहेगा, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी में 35 को ऑब्जेक्टिव डालूंगा टेस्ट पेपर में, 10 को लॉन्ग डालूंगा, 10 को शॉर्ट डालूंगा और 3 को लॉन्ग डालूंगा, एक क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, और आपको इसको क्या करना है, घर पर बैठ करके बना लेना है, अंडरस्टैंड मेरे बच्चे। एक काम बेटा जी शुरू करूंगा 20 तारीख से, 20 तारीख से चलेगा 30,
जनवरी तक। अरे जब तक सुनाना जाए जब तक रिएक्शन देना ही बिहारियों का सबसे बड़ी कारण है। जब तक हमने बातें खत्म नहीं किया है, ऐसी क्लास 11th में बच्चे की बीमारी था यार। अरे बात जब तक कंप्लीट ना करूं, आप सुनो ना, क्या पता यार कि अच्छी बात आगे निकल जाए। अगला बात है, अरे 20 तारीख से 30 तारीख तक हम आपके साथ रहेंगे, हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। जब तक कि आपका फिजिक्स का परीक्षा ना गुजर जाए तब तक आपके साथ रहेंगे। और बेटा जी आज जब परीक्षा गुजर जाएगा तो हर बच्चे का स्टेटमेंट लेने के लिए हम तैयार रहेंगे कि परीक्षा कैसा गया। हमारे हिसाब से 90% बच्चे बेटा बोलेगा बहुत बेस्ट परीक्षा गया सर। 10% बच्चे होगा जो हम नहीं कह सकता हूँ यार, क्योंकि दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता भाई, हम भी नहीं परफेक्ट है। और हाँ मेरे बच्चे, तो इसका मतलब है 20 दिसंबर से 30 जनवरी तक आप तैयार रहो। क्या चीज पढ़ने के लिए? मतलब 3 चीज पढ़ने के लिए, 10 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, ये जो गेस पेपर लेना जरूरी है, गेस पेपर का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। और हाँ मेरे बच्चे, और साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट आपको तैयार होने के लिए तैयार हो जाओ, प्रति चैप्टर का टेस्ट। तो सर आप बताओ सर ये कैसे काम करोगे सर, 20 दिसंबर से 30 जनवरी तक कैसे होगा सर? तो सुन लो, 20 दिसंबर से क्लास शुरू होगा, यहीं पर क्लास शुरू होगा, यहीं इसी जगह पर क्लास शुरू होगा, और यहां से चलेगा 8 जनवरी तक, 20 दिसंबर से 8 जनवरी तक, मतलब 20 दिन का क्लास आपको यही करना होगा, 20 दिन क्लास आपको यही करना होगा। और उसके बाद 9 तारीख को आपको हम फेयरवेल पार्टी देंगे, और 9 तारीख को आपको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। और उसके बाद फिर हम, आप जानबे करते हो कि हमारी एक परंपरा चल रही है, खास करके लाइव क्लास की परंपरा चल रही है, मानो तो बेस्ट भी है, मानो तो बहुत खराब है। बेस्ट इसलिए है कि आप आराम से अपने कमरे में बैठ के आराम से एक टीचर के बात को पढ़ सकते हो। और खराब इसलिए है कि मोबाइल वाले लेकर के कभी ई घर वाम घुसल है, कभी छतरा पर घुसल है, देखो ना तेज कर दिया है, ऐसी कर रहा है, मतलब एक मिसयूज भी होता है, अच्छी भी चीज है। तो 30 तारीख तक हम आपसे जुड़ेंगे, आप पूरा एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देंगे, तभी हम आपको यहाँ से मतलब की एक कम्प्लीट तैयारी होगा। तो सर बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे ने प्रश्न किया, सर ये ऑप्टे से क्या करोगे सर? फिर तो बताओ, ऑप्टे से छूट जाएगा सर? नो, ऑप्टे छूटेगा नहीं बेटा जी। हम चाह करके भी कितना भी तेज पढ़ाएं, ऑप्टिक्स को जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा चैप्टर है। और हाँ मेरे बच्चे, तो ऑप्टिक्स 20 तारीख के बाद ऑप्टिक्स का रिविजन बैच तुम यही करोगे आकर के, और ऑप्टिक्स का क्लास ऑनलाइन चलेगा, और वो भी 30 जनवरी तक ही चलेगा, उससे पहले हम खत्म नहीं कर सकते ऑप्टिक्स। आप सब कहा बेटा जी, 2-4 क्वेश्चन करा के अगर ऑप्टिक्स खत्म कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं आपको, मतलब कि ऑप्टिक्स 30 जनवरी तक चलता रहेगा, अंडरस्टैंड? ये आपका शेड्यूल है क्या बेटा? हाँ बोलो, क्या बोलो ना जी? तो 30 जनवरी से पहले करे तो कहां जाओगे? अमेरिका जाओगे क्या घूमने के लिए? तो क्या करो तो प्रैक्टिकल में बेवकूफ बना रहे हो? अरे प्रैक्टिकल 10 को है ना रे, तो कोई यहां रोक रहे हैं हम? लाइव क्लास यहां होता है? अरे तुमसे बोला लाइव क्लास, तुम यहां लाइव क्लास करोगे? अजीब गरीब बात, घरे पर करोगे ना जी? अजीब। तो ये आपका क्लास का शेड्यूल बेटा जी। तो 20 तारीख से आपका क्या कर रहा हूं, रिवीजन बैच शुरू कर रहा हूं, अंडरस्टैंड है? 20 तारीख से रिवीजन बैच शुरू कर रहा हूं। तो 20 तारीख से आप लोग नए कॉपी के साथ नए सीरीज से आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, अंडरस्टैंड है? चलेगा, आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया। चले अब इतना पर भी तुम क्या करोगे परीक्षा में, तुम जानो अपना, हमारा काम है। चलो राइट नो हेडिंग, बेव फ्रंट, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगेंस का आप तुमको जो कह रहे हो उसे पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। हाइगेंस का
द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। अब शांत हो जाओ, समझना तो शांत हो जाओ, नहीं तो तुम चाहे तुम्हें कुछ भी कर दिया जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हाइगंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, चलो हाइगंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, इतना भी आई कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे गेस से लेकर के क्वेश्चन बैंक से लेकर के कोई ऐसा चीज नहीं छपा अब तक है जहां पर ये क्वेश्चन ना दिया गया हो। हाइगंस का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी होता क्या है देखिएगा, तो इसको लगाइए वीवीआई, हाइगंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हाइग बेटा खड़े हो जाओ, यू येलो टी शर्ट खड़े हो जाओ। व्हाट एक्सप्लेन द हाइगंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, आप तो पढ़े हो ना, हाँ बैठिए, इतनी चीज बताइए ना। बार बार कहता हूँ बेटा जी, कभी लाइव क्लास किसी अनुत्थराज से मत लो यार, बर्बाद कर देता है लाइव क्लास का कोर्स लेना, सीधे बर्बाद कर देता है। जो उसको आता है पढ़ाते रहता है, जो नहीं आता है उसको पेंडिंग में डाले रहता है, बाद में पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे, अब बाद में चलता है कि क्लास फिर बंद हो गया। हाइगंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, समझिए काफी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, हाइगंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है, आइए यह समझिएगा बेटा। यह हमारा एक प्रकाश स्रोत है और यह हमारी आंखें हैं, देख लो यह हमारी आंखें हैं, प्रकाश वहां से यहां आ रही है, प्रकाश कैसे आ रही है, अब हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल गया है कि प्रकाश एनर्जी है, तो वह क्या करती है, वेव फ्रंट का निर्माण करती है। वेव फ्रंट का निर्माण कैसे करती है आपको पता है ना बेटा जी, प्रकाश एनर्जी है तो इथर कण को धक्का देती है बराबर रूप से, तो एक एक स्फेरिकल एक शेप बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। इसका मतलब है ये वेव फ्रंट का निर्माण कर दिया, अजी ये वेव फ्रंट का निर्माण कर दिया, पहला वेव फ्रंट है ये लो, ये दूसरा वेव फ्रंट है ये लो, ये तीसरा वेव फ्रंट है ये लो, चौथा पांचवा छठा सातवा, इसी तरीके से वेव फ्रंट बनते रहता है और प्रकाश हमारी आंखों तक आता रहता है और इसको हम यहां से देखते रहते हैं। तो सर हाइजेनिक का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी क्या है, तो थ्योरी क्यों ना दे, क्या लगता है घर का राज है कि ऐसे गोलिया दिया, एक गोलिया दिया, ऐसे गोलिया दिया, ऐसे गोलिया दिया, अब वेव फ्रंट बन गया। जब इतना आसानी होता तो हर दिन यहाँ पर साइंटिस्ट पैदा होता, गोलिया दिया हम उधर दिया थ्योरी। इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट कब बनेगा, कितना दूर पर बनेगा, देखिए ना पहला वेव फ्रंट है तो दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ये दुनिया को बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़े हो गया लो लो हम बता देते वेव फ्रंट कैसे बनेगा, लो बन गया वेव फ्रंट, लो कौन दिया सिद्धांत, तो निर्मल कुमार ने सिद्धांत दे दिया है, ऐसे थोड़े होता है। तो एक आपको एक मैथमेटिक्स से सत्यापित करना पड़ेगा कि अगर एक वेव फ्रंट ये है तो अगला वेव फ्रंट कितना दूर पर बनेगा और कैसे बनेगा, फिर ये वेव फ्रंट कितना दूर पर बनेगा कैसे बनेगा, यानी पूरी तरीके से मैथमेटिक्स से समझाना ही फिजिक्स होता है, खाली कह देना नहीं कि एक प्रकाश स्रोत के चौसाइड चौसाइड ऐसे गोलियां दिए हैं, वेव फ्रंट बन गया है, अब प्रकाश मेरी आंखों तक आ गया है। तो जरा देखिएगा ना, तो हाइजन ने क्या किया है, यही समझाने की कोशिश किया है कि पहला वेव फ्रंट कब बनेगा, दूसरा वेव फ्रंट कब बनेगा या कैसे बनेगा, तीसरा वेव फ्रंट कब बनेगा कैसे बनेगा, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा सोवां 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 सोवां, और इस तरह वेव फ्रंट का निर्माण कब और कैसे होगा, इसी बात को एक्सप्लेन करना है ना आ रहा हूं। तो जरा देखते हैं इसके पीछे की थ्योरी क्या है, आइए ना हाइजन ने इस पर क्या थ्योरी दिया है। तो हाइजन कहते हैं, सुनो ना, हाइजन कहते हैं कि मान लो कि यह एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है और यहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है प्रकाश सभी दिशाओं में, ईथर कण समान रूप से फैला हुआ, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए एक हाइपोथेटिकल माध्यम की आवश्यकता होता है जिसको हम लोग ईथर कण कहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ईथर कण सभी जगह पर फैला हुआ है। अब जरा देखिएगा सारा बच्चा, तो सवाल ये उठता है कि पहला वेव फ्रंट कब बनेगा, कब पहला वेव फ्रंट बनेगा। तो हाइजन कहते हैं, हम बताते पहला वेव फ्रंट कब बनेगा, मान लेता हूं कि जो पहला वेव फ्रंट बना है वो टी समय के बाद बना है,
मानने में क्या जाता है, मानो। अरे पहला वेवफ्रंट कब बना है, मान लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ प्रकाश स्रोत है, देखो देखो यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश निकल रहा है, तो मान लेता हूं कि जो पहला वेवफ्रंट बनने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। अब बोल रहा या ना रे, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ तो वक्त लगा होगा, तो उस वक्त को हमने कितना मान लिया है टी। और सबको पता है कि प्रकाश जो चलता है उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, सी। तो बताओ, तो टी समय में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, तो डी, अरे आपको बोला नहीं, तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय। तो बता दो चाल कितना है, समय कितना है, तेरा मतलब है सी टी। तो बता दे बेटा जी, देखो तो एक ये आपका प्रकाश स्रोत है सी टी, कितना 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 क्या, इसका मतलब है जितना भी ईथर कण है, 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 क्या सब सीटी डिस्टेंस पर है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला वेव फ्रंट का निर्माण तो हो गया, यानी पहला वेव फ्रंट का जो त्रिज्या है, पहला वेव फ्रंट का जो रेडियस है वो सीटी है, क्योंकि हाइजन ने कहा है कि मान लो कि पहला वेव फ्रंट टी समय के बाद बना है, तो ठीक है मान लेता हूं कि टी समय के बाद बना है, अब प्रकाश का चाल सी है, तो बताओ तो पहला वेव फ्रंट बनने में कितना दूर के बाद वेव फ्रंट बनेगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय, चाल कितना है सी, और समय कितना है टी, एकरा मतलब है पहला जो वेव फ्रंट बना है वो सीटी बना है, सीटी बना है, सीटी बना है, इसे कहा जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो पूरा क्लास का बच्चा बोल देगा, बताओ प्राइमरी वेव फ्रंट को बनने में, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट का निर्माण कितना दूरी पर होता है, सीटी दूरी पर होता है। अब सवाल उठता है कि आप बताइए सर सेकेंडरी कहां बनेगा, तो सूर्य हाइजन क्या कहते हैं, सूर्य का सारा बच्चा हाइजन क्या कहते हैं, सूर्य हाइजन क्या कहते हैं, तो हाइजन कहते हैं हमने प्राइमरी वेव फ्रंट बना लिया है, अब हाइजन कहते हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है प्राइमरी वेव फ्रंट पर, जितना भी बिंदु है, जितना क्या अनंत बिंदु है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है, उन सभी को पुनः क्या करो, एक प्रकाश स्रोत मान लो, पूरा एक प्रकाश स्रोत मान लो, मतलब ये भी प्रकाश स्रोत है, ये भी प्रकाश स्रोत है, ये भी प्रकाश स्रोत है, मतलब इस पर जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है, सबको एक प्रकाश स्रोत मान लो, और इस प्रकाश स्रोत को कहा जाता है सेकेंडरी प्रकाश स्रोत, सेकेंडरी लाइट सोर्स कहा जाता है। बता दो एक कौन सा लाइट सोर्स है, बोलो ना, क्या यह वेव फ्रंट का निर्माण करेगा, कितना दूरी पर, ये जो वेव फ्रंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, लेकिन हम तो प्राइमरी के बारे में नहीं पढ़ना है, हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम है हाइजन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी नाम है। तो अब क्या कहते हैं हाइजन, कहते हैं कि इस पर जितना भी बिंदु है, किस पर, वो सब के सब एक प्रकाश स्रोत बन जाता है, सबके सब प्रकाश स्रोत बन जाता है। बताओ तो ये भी प्रकाश स्रोत बन जाएगा, ये भी प्रकाश स्रोत बन जाएगा, जितना भी बिंदु है सबके सब प्रकाश स्रोत बन जाएगा। तो अब बताओ क्या यह प्रकाश स्रोत है, बोल है, क्या ये प्रकाश स्रोत है, तो बताओ। अब जितना भी प्रकाश स्रोत होगा, क्या प्रत्येक प्रकाश स्रोत का अपना अपना एक प्राइमरी प्रकाश, एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा कि नहीं होगा, जिस प्रकार इसका एक प्राइमरी वेव फ्रंट है उसी प्रकार ये भी एक प्रकाश स्रोत है, 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 तो क्या इसका भी क्या एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, और सबको मिलाते हुए, सबको स्पर्श करते हुए, सबको स्पर्श करते हुए एक वक्र खींच दीजिए, तो जो ये वक्र खिंचाया है ना, ये जो वक्र खिंचाया है ना, यही कहलाता है सेकेंडरी, किसका सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी किसका, इस प्रकाश स्रोत का क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। अब इसको क्या करता हूं, ग्राफ को दोबारा समझाता हूं, देखिएगा
ये थोड़ा कंफ्यूजन यार, बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे समझते नहीं है। जल्दी आ जाओ बेटा। देखो यह एक प्रकाश स्रोत है, प्रत्येक प्रकाश स्रोत अपने चारों तरफ वेव फ्रंट का निर्माण करता है। इस प्रकाश को, इसको हमने कहा प्राइमरी प्राइमरी सोर्स, क्योंकि एक है प्राइमरी सोर्स, और जो वेव फ्रंट बना इसको हमने कहा प्राइमरी वेव फ्रंट। यहां तो कोई डाउट्स नहीं है। यहां से लेके यहां की जो दूरी है वो दूरी कितना है, सी टी है। तब सवाल उठता है कि सेकेंडरी कैसे बनेगा। तो भाई तब कहते हैं हाइजन, चिंता ना करें हम सेकेंडरी बना देते हैं, कैसे बने जरा देखिएगा। अब क्या कीजिए, इस पर जितना भी बिंदु है सबको मान लीजिए कि यह भी एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य कर रहा है। लीजिए एक बिंदु, ज्यादा बिंदु लूंगा ना तो गंदा दिखेगा, हम दो चार बिंदु लेके दिखा देता हूं। देखो तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, चार बिंदु, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब बताओ ये जितने भी बिंदु दिखाई पड़ रहा है, अब इसको आप बिंदु नहीं कहेंगे, अब इसको आप प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिसको हम सेकेंडरी लाइट सोर्स के नाम से जानेंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब आप बताओ ये कौन सा लाइट सोर्स है। अब बताओ, अब क्या अभी ए भी, अभी ए भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ए भी अपना क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। तो आप बताइएगा, तो जब ए भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, लीजिए ये नापा तोला नहीं बन रहा है, अगर नाप तोल के बनाएगा तो अच्छा बनेगा। ए भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, लो लो ए भी अपना वेव फ्रंट बना, बड़ा छोटा बन रहा है तो चिंता ना करें। ए भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ए भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा। तो आप बताओ, अच्छा बताओ ये सब क्या, ये सब का सब क्या वेव फ्रंट है कि नहीं है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का। अब इस सबको मिलाते हुए, 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 अब एक गोला खींच दीजिए। तो अब बनाइए, अब बताइए, अब बताइए, यह जो गोला बना है इसके लिए क्या सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरीके से अब प्रकाश को और आगे बढ़ाना है, तो अब इसका प्रत्येक बिंदु, कुछ दिमागो लगा के बोलने रहे, बोल रहे लाइट सोर्स बनेगा। अब ये भी क्या बनाएगा, अब ये क्या बनाएगा रे, वेव फ्रंट बनाएगा। अरे कुछ भी दिमाग लगा मेरे भाई, कितना बुलवाएगा हमसे रे। अब बताओ, दिमाग ना लगा, टर्सरी बर्सरी मत डाल, खाली बोल कि वेव फ्रंट बना है। हाँ मेरी वजह, अरे आपने मुझे टर्सरी नाम ना दे, टर्सरी हम तो कभी नहीं सुने, कहीं लिखा नहीं टर्सरी किताब में, अजीब वो गरीब है। अब बताओ बोल रहे लाइट सोर्स क्या वेव फ्रंट क्या, चौथा बन गया बेटा जी क्या। ये प्रक्रिया होता रहेगा, ये प्रक्रिया होता रहेगा। और आप देखिए यही आप लोग गलती करते हो, डाइवर्ट ज्यादा हो जाते हो बेटा, सिर्फ एंजॉय किया बस अपने ट्रैक पर लौट आए। अब बताओ, अरे आपकी आंखें इसको देख रही, लो आपकी आंखें, आपकी आंखें यहाँ पर है, तो पता है आपकी आंखें कभी भी इसको नहीं देखेगी। आपकी आंखें केवल उसी प्रकाश स्रोत से काम चलाती है जो उसके आंख के नजदीक है, जो उसकी आंख के नजदीक है। तो आपके आंख के नजदीक ये प्रकाश स्रोत नहीं है, और आपके आंख के नजदीक ये प्रकाश स्रोत है। हाँ मेरे बच्चे, तो आपके जो आंखें के पास जो प्रकाश पहुंच रही है ना, वो ये नहीं पहुंच रही है, वो पहुंच रही है इसका प्रकाश पहुंच रहा है, इसका प्रकाश, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लाइट सोर्स ही है जो हाइजन ने कहा है। हाँ मेरे बच्चे, तो हमारी जो आंखें देख रही है, लेट सपोज मान लो हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, अब प्रकाश को देखते हैं, तो इसका मतलब हमारे आंखों के पास जो प्रकाश गुजर रहा, जब जा रहा है वो क्या कर रहा है, देखो तो ऐसे ना जाने कितना वेव फ्रंट होगा, तो हमारे आंख के नजदीक से गुजरने वाला जो वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट है, उसी का जो प्रत्येक बिंदु है वो प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहा है। और यही प्रकाश स्रोत जो हमारे आंख के अंदर प्रकाश प्रोड्यूस कर रहा है, तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी कहा जाता है। हाँ मेरे बच्चे, तो इसको लिखना कैसे, क्योंकि हमें
सेकेंडरी तक ही रहना है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें पहला बनाना है और दूसरा बनाना है। इससे और इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हेडिंग का नाम ही है हाइजेंस का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, तो हमें यहां तक ही बनाना है। तो कैसे लिखना है जरा समझिएगा। सर देखिएगा, सर प्रत्येक लाइट सोर्स अपने चारों तरफ सीटी डिस्टेंस पर एक वेव फ्रंट बनाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। उस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु पुनः एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, जो अपना 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 जो अपना 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 वेव फ्रंट का निर्माण करती है। हाँ मेरे बच्चे, इन सभी वेव फ्रंटों से गुजरता हुआ, संपर्क करता हुआ जो कर्व खींचा जाता है, जो वक्र खींचा जाता है, जो गोला खींचा जाता है, सर उसी गोला को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं, यानी द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और यही प्रक्रिया चलता रहता है सर, और प्रकाश एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह प्रोपोगेट करता है। अंडरस्टैंड, हमारी आंखें कभी भी इस प्रकाश को नहीं देखती है सर, हमारी आंखें केवल उसी प्रकाश को देखती है जो हमारे आंख के नजदीक से बेफ्रंट गुजरा है। हाँ मेरे बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ, देखो बेटा जैसे हमने चश्मा हटा दिया तो हम इस बच्ची का बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन जैसे हमने चश्मा लगा लिया अब हम इस बच्ची को नहीं देख रहे हैं, इस बच्ची के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, अजीब गरीब है यार, आप भूलिए के लिए एकरा ऑप्टिक्स में से नहीं पढ़ाएं, एकरा ऑप्टिक्स से पढ़ाएं। वह प्रकाश रो जकर अपना प्रकाश होता है उसको दीप्त कहते हैं, ओकरा प्रदीप्त कहते हैं, ऐसे कराए हैं ऑप्टिक्स में। और एकरा बिल्कुल नहीं पता है कि चश्मा लगा ले लिए है तो आप भी नहीं देख रहे हैं, एकर प्रतिबिंब के देख रहे, ये नहीं पता है एकरा दीप्त कहा है ओकरा प्रदीप्त कहा है, ऐसे खाली करते रहे जो लाइट के दिशा को दर्शावा अगर रे कहा है, हो गए एक ऑप्टिक्स परीक्षा में एक नहीं हो लो भगवान भरोसे नंबर भी आ गए। अगर ये अब तक पते न हो ले कि चश्मा कहाँ लगवल जाए, चश्मा में वस्तु का एक्चुअल नहीं देखते हैं, उसे क्या देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं। जिसे एग्जांपल आप भूल गए, उस दिन गांव देहात में एक मेला लगता था जिसमें क्या होता था, बाल्टी के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखता था और पानी से भर देता था और हमको कहता था कि जो एक रुपया डालेगा डब्बा में तो एक दो रुपया देंगे। तो हमने भी एक बार ट्राई किया था, ऐसे डाला और उसमें घुस भी नहीं किया। काहे नहीं घुसा, क्योंकि आप डब्बा को देख ही नहीं रहे हो, डब्बा के प्रतिबिंब को देख रहे हो और आप जो एम बना रहे हो वो प्रतिबिंब बना रहे हो। तो जैसे वहां सिक्का पहुंचता है वहां डब्बा मिलता नहीं, ऐसे ऐसे हिल करके तेरे डब्बा तो बगल में हले रहे। और हाँ बच्चे, तो वो जैसे मछली, पानी में मछली को आप नहीं देखते हो, पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखते हो। आपने एम लगाया, मारा, मछली भाग गया यार, क्यों, क्योंकि आपने जो एम लगाया था वो मछली पे थोड़ी लगाया था, उसके प्रतिबिंब पर लगाया था। और हाँ मेरे बच्चे, ये देखो जैसे एग्जांपल हमने इस बच्ची को देख लिया, देखो बेटा जी अगर इस बच्ची का हमारे आंख से एक्चुअल हाइट, देखिए रुकिएगा, बोलिए मशीन है बोलिए, शर्म नहीं आते थोड़ा सा भी, मशीन है तेरे बाप में देखे मर जाएगा रे, समझ लो यही गुनाह है सलाई शहर में, पढ़ाना ही गुनाह शहर में, चुतिया बनाओ वो सही है पढ़ाई के नाम पर, इन्हें थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करो, तो या तो ये बेवकूफ समझ बैठते हैं। अरे कुछ बता रहा हूँ, एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ, एनर्जी को ऐसे थोड़े बर्बाद करता है, इतना एनर्जी तो 500 रुपये ले लेता है यार, तो कुछ बताने की कोशिश करो, कम से आप चले जाओ यहाँ से, 12th निकल के चले जाओ, पास तो ही जाओगे यार, पास में कोई संशय नहीं है तुम्हारे पास में, लेकिन संशय उस तरह हो जाएगा कि जब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुँह ऐसे करके निकल जाओगे ना तो उसमें संशय होने लग जाएगा कि सर कल पढ़े थे 12th हम वहाँ पर, कोचिंग पढ़े थे, बाप रे बाप, कोचिंग गांव से छोड़ कोचिंग आए थे पढ़ने के लिए, जब यही सब पढ़ना था तो गांव देहात कोई कोई बड़ा बुजुर्ग पढ़ा देता तो वो यार ऑप्टिक्स यार दो चार को परिभाषा लिखा देता ऑप्टिक्स का, कौन बड़ी चीज है ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑप्टिक्स के बारे में समझना बड़ी चीज है, वो है क्या वास्तव में। देखो अगर मेरी आंख से इसकी दूरी लड़की की दूरी मान ली जाए कि 5 मीटर है, तो अगर हमने चश्मा लगा लिया हमारे और इसके आंख के बीच, हमारे आंख इसके बीच की दूरी 5 मीटर नहीं है, या तो बढ़ गया होगा या तो घट गया होगा, वो तो बाद में देखेंगे कि बढ़ता है या घटता है, वो बाद की चीज है, या तो बढ़ गया होगा या तो क्या हो गया, घट गया होगा। तो अगर मान लो घट गया होगा तो अब हमें ये 4 मीटर की नजर पर आ रहा है, तो जैसे अपना हाथ 4 मीटर पर करेंगे ना
इसको कभी नहीं टच कर पाएंगे हम, केवल इसके प्रतिबिंब को टच करेंगे। और हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि इसकी दूरी हमारे आंख की दूरी में कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो बार बार कहता हूं बेटा जी, ऑप्टिक्स समझिए कि वास्तव में ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स बेटा जी एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, एक धोखा है। ऑप्टिक्स ये रियलिटी को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। और हाँ मेरे बच्चे, उसी का नाम है ऑप्टिक्स, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हाइजन थ्योरी को आप लिखिए, तो हम बात आगे करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस बात है ना, एवरी लाइट सोर्स एवरी प्राइमरी लाइट सोर्स एवरी बात है बेटा एवरी प्राइमरी लाइट सोर्स फॉर्म इट्स प्राइमरी वेवफ्रंट। प्राइमरी वेवफ्रंट at CT distance, at CT distance. The each point on primary wavefront. Behaves like a light source which is known as known as secondary light source. Secondary light source. Each secondary light source for its form its own primary wavefront form its own primary wavefront. Draw a spherical curve. Passes through. Each primary wavefront. Primary wavefront. Which is known as secondary wavelets, but बात करें which is known as अरे तू खाओ तो आ जाओ तो हम आपरों उसने बाहर निकाल दिया तो which is known as तो सब सफारी हो जाए तो सब कौन आपने पैरा सकता which is known as secondary wavelets
सेकेंडरी वेवलेट्स ना पढ़ा है तो पढ़वे दे सब ये सब बहुत सरल समाजिक जिंदगी है ये सब ना पढ़ा है लेकिन पढ़वे दे ढंग से बाहर के नाम पर फरामी सब बाप अगर बर्बाद कर देते हैं झूठ बोला है बात नहीं करना बात ऐसे मार दे तो बात करते हम जब तो नहीं करनी है नहीं कर ले नहीं कर ले बात क्या कर ली हम रहे हाइजेंस के अनुसार हाइजेंस के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत हाइजेंस के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत सीटी दूरी पर प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है प्राथमिक तरंगाग का प्रत्येक बिंदु प्राथमिक तरंगाग का प्रत्येक बिंदु प्राथमिक तरंगाग का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है 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 जो अपना अपना प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है जो अपना अपना प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है जो अपना अपना प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है जो अपना अपना प्राथमिक तरंगाग का निर्माण करता है सभी तरंगागों से होते हुए या सभी तरंगागों से स्पर्श करते हुए सभी तरंगागों से स्पर्श करते हुए जो गोला खींचा जाता है सभी तरंगागों से स्पर्श करते हुए जो गोला खींचा जाता है जो गोला खींचा जाता है उसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं उसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं कहीं को दिक्कत नहीं है अब क्या करना है सबको मैथमेटिक्स बनाना है इसका चलो समझ समझना डायग्राम परीक्षा में डायग्राम का बहुत महत्व होता है यह हमारा प्रकाश स्रोत है सीटी डिस्टेंस है सीटी यह हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट प्राथमिक
तरल दाब है, प्राथमिक तरल दाब है। अब जरा देखना, अब इस पर जितना भी बिंदु डालूंगा वो अपने आप में सब क्या हो जाएगा, एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। यह हो गया C इंटू डेल टी। बेटा जी डायग्राम क्या बेटा नाप तौर पर नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा तिरछा जरूर हो जाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है वास्तव में। इसको बनाने के लिए हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके सब डायग्राम सही बनता है। तो अब देखो परीक्षण कैसे आपको बनाना है, समझ बनाएगा, स्पर्श करना चाहिए ना कि कटिंग करना चाहिए, सारे ब्रेड फ्रंट से स्पर्श करना चाहिए। अब ये जो बन गया मेरे बच्चे, जो येलो कलर का जो लाइन हमने खींचा है, यही आपका बन रहा है सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, वेवलेट द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका। ये हमारा प्राइमरी लाइट सोर्स है, लिख लीजिएगा बेटा। एक काम करो, अब यहाँ ओ दिखाता हूँ ओ, और ये हमारा ए, ये बी और सी दिखा देता हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा। ओ बराबर प्राइमरी लाइट सोर्स है, प्राइमरी लाइट सोर्स है, प्राथमिक है प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, और यहां पर हमारे पास जो है ए कॉमा बी कॉमा सी, यह हमारा है सेकेंडरी लाइट सोर्स है, सेकेंडरी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स अपने हिंदी में द्वितीयक प्रकाश स्रोत है। लो ये तुम्हारा हो गया हाइजेंस का थ्योरी भी कवर हो गया। ये हमारा ये बता सके हाइजेंस, ये भी बता दिया दुनिया को कि प्राइमरी वेवफ्रंट कैसे बनता है और सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे बनता है, और इसी तरह से कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, हमारे आप तक प्रकाश पहुंच जाता है। और हम अपने आप से कभी भी मेन प्रकाश स्रोत को नहीं देखते हैं, हम फिर उसको देखते हैं जो प्रकाश बन जाता है, हमारे आप के नजदीक से भी जाता है, उसका भी प्रत्येक बिंदु क्या बन जाता है, एक प्रकाश स्रोत बन जाता है, जिसका नाम एक्चुअल प्रकाश स्रोत कभी नहीं देखते हैं। आए मेरे बच्चे किताब की है, हमारे आखिर उसके प्रकाश को नहीं देख रही है, हमारे आखिर यहाँ से जो गुजरा है ना उसके प्रकाश को देख रही है। आने मेरे बच्चे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए लाइट का वेव थ्योरी खत्म हो गया है, अब यहीं से शुरू होता है, अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की हेडिंग लगाना पड़ेगा। हमने क्या क्या कवर कर दिया, हाइजन थ्योरी कवर कर दिया, न्यूटन की थ्योरी कवर कर दिया, और ये देख लिया हाइजन के अनुसार ये वेव है, वेव है तो किस तरह चलती है, वेव फ्रंट क्या होता है और रेज क्या होता है ये देख लिया, और कैसे सेकेंडरी वेवलेट का निर्माण होता है। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। अंतर मुझे हमेशा करी ये जो बातें आती रहती, टाइम हो गया सर, क्या चल रहा था कभी सर कि सर तो बात हो गया जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो अभी लाइट का शुरू हो रहा है ट्रांसफार्मर का, क्लास अटेंड जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या अभी का मतलब क्या बता रहे हैं, अजीब और गरीब है भैया, अजीब और गरीब है, पांचों मासे को मारता नहीं लोग यार, सब आईपीएम तक बन जाता। हमने कहा कि अभी मैं का शुरू कर रहा हूं, टाइम से टाइम नहीं मतलब Yes, sir.